नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर लेकर आ चुके हैं राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और इसके बारे में बताएंगे दिल्ली की पूरी 70 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि किस पार्टी को मिल रहा है पूर्ण बहुमत और कौन सी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी बदल रहा है। वहीं जनता ने बड़ी सर्वे रिपोर्ट सामने रख दी है विधानसभा चुनाव दिल्ली के 2020 को लेकर कि इस बार किसे देंगे वोट। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दिल्ली का रण शुरू हो चुका है और दिल्ली के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में सर्वे आंकड़े पूरी तरह से बदल चुके हैं। वही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को 65 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है और भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है अकाली दल के द्वारा, और 10 सीटों पर खिसक कर नीचे आ चुकी है भाजपा। वही फलोदी सत्ता बाजार और सी रिपोर्टर एबीपी न्यूज ने पहले से ही सर्वे जारी कर दिया था और आज सबसे बड़ा शाम का बड़ा सर्वे लेकर आ चुके हैं 24 जनवरी 2020 का, जिसके अंदर 5,00,000 लोगों के साथ में एबीपी न्यूज और आज तक मैंने किए सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक। वही कल से केजरीवाल और अमित शाह जो गृह मंत्री है बीजेपी में, उनकी रैलियां भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की रैली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बड़ा बयान भी दिया। वही केजरीवाल ने पलटवार करते हुए अमित शाह को कड़ा जवाब भी दिया कि दिल्ली की जनता इस बार भ्रम में आने वाली नहीं है। वही नागरिकता संशोधन बिल CAA और धारा 370 और 3 तलाक को लेकर भी अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार नाखुश नजर आ रही है बीजेपी से। वही पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2015, तो उसके अंदर भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 67 सीटों पर कब्जा किया था और भाजपा को बड़ा झटका भी दिया था। वही आज के सर्वे रिपोर्ट जो शाम के भावों में बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ओपिनियन पोल के अनुसार भी कई गड़बड़ घोटाला भी नजर आ रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर। और अब देखना ये होगा कि दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी की पार्टी क्या कुछ कर पाती है। वही पत्रकार अभिषेक शाह और रवीश कुमार की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी मीडिया के चलते इस बार दिल्ली के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। वही केजरीवाल पहले से ही साफ कर चुके हैं कि दिल्ली की जनता इस बार भ्रम के अंदर नहीं आएगी, और जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बड़ी फेंकते हैं उसको लेकर दिल्ली की जनता नाखुश भी नजर आएगी। लेकिन अमित शाह और आम आदमी पार्टी से बगावत कर चुके नेता भी इस बार बीजेपी से टिकट दिया गया है और काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है आम आदमी पार्टी को। लेकिन केजरीवाल और अमित शाह के इस रण के अंदर अब देखना यह होगा कि सट्टा बाजार की रिपोर्ट कितनी सही हो पाती है, क्योंकि आज 24 जनवरी के भावों में बड़ी बढ़ोतरी और बेहद नाजुक आंकड़े नजर भी आ रहे हैं दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव 2020 के ओपिनियन पोल में। वही कांग्रेस का नामो निशान खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार। वही सट्टा बाजार रवीश कुमार जो पत्रकार है, उन्होंने सर्वे रिपोर्ट और जारी किए आंकड़ों में यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी किया जा सकता है विधानसभा चुनाव 2020 के दिल्ली चुनाव में। वही दिल्ली के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सभी पार्टियां उतरेगी केजरीवाल के साथ मैदान के अंदर और भाजपा को दिखाएगी कड़ी टक्कर। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पहले से ही साफ तौर पर वादा कर दिया कि दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी को चुनेगी, लेकिन दिल्ली की जनता का रुझान कुछ और ही नजर आ रहा है। वही महाराष्ट्र राज्य के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर भी काफी ज्यादा परेशानी भी चल रही है, जिसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर प्रभाव काफी ज्यादा पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली के रण में मोदी केजरीवाल की सेना कूद चुकी है और केजरीवाल मोदी की काफी ना बनती हुई दिखाई भी दे रही है, और केजरीवाल के कई दिग्गज नेता जो बगावत भी कर चुके। वही कुमार विश्वास ने भी बड़ा बयान दिया कि केजरीवाल की सेना से निकले उनके सैनिक अब उन्हें बड़े घातक प्रहार भी नजर आ सकते हैं और दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे और CM पद की घोषणा की जाएगी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़े जाएंगे, लेकिन बीजेपी का काफी ज्यादा प्रचार नहीं होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के अंदर आज 1 महीने हो गया जिससे लोग सड़कों पर आए हुए। अब देखना ये होगा कि मोदी की जनता इस बार क्या कमाल कर पाती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2020 के चुनाव में। जुड़े रहे आप हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।